अजय सिंह बिष से कैसे बने योगी आदित्यनाथ, इतनी कम उम्र में कैसे बने सन्यासी, महज 26 साल की उम्र में बने सांसद, योगी पर रहा विवादों का साया, हिंदुत्व का नारा किया बुलंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा गोरखपुर की शहर सीट से, तभी से प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। योगी के आने से सीट राज्य की सबसे हॉट सीट बन गई है और अब सबकी नजरें इसी पर बनी हुई है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े पीठ के महंत बने और फिर यूपी का मुख्यमंत्री बनने तक का सियासी सफर उन्होंने तय किया। गोरखनाथ मठ में योगी और मठ की दहलीज को पार करते ही राजयोगी बने हिंदुत्व और विकास के मुद्दे की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 42 साल की उम्र में लगातार 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड भी बनाया। अजय सिंह बिष्ट का जन्म और शिक्षा, हिंदू वोट बैंक की राजनीति में माहिर भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। उन्होंने श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से गणित से बीएससी की। साल 1993 में वो गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर आए। उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट की और 22 साल की उम्र में वो सांसारिक मोह माया छोड़कर योगी बन गए। योगी आदित्यनाथ के सन्यासी बनने की कहानी। महंत अवैधनाथ से युवावस्था में सन्यासी बनने की अजय सिंह बिष्ट की इच्छा को पहली बार तो खारिज कर दिया गया। जब दोबारा अजय सिंह बिष्ट उनके पास आए तो उन्हें विश्वास हो गया था कि गोरखपीठ के उत्तराधिकारी बनकर इस पीठ को आगे ले जाने का कार्य इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। 15 फरवरी 1994 को गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान ही उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर योगी बन गए। इस बीच उनके पिता और परिवार के लोग उन्हें मनाकर वापस ले जाने के लिए आए, लेकिन वे घर वापस नहीं लौटने और हिंदुत्व की रक्षा का जो संकल्प उठाया था उससे पीछे नहीं हटना चाहते थे। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में महंत अवैधनाथ के चुनाव का संचालन किया। साल 1998 में गुरु महंत अवैधनाथ ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहीं से 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इन्हें सबसे कम उम्र का सांसद होने का गौरव भी प्राप्त है। गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी का कार्यभार। योगी ने जब गुरु गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तो उनके ऊपर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होने वाले स्कूल कॉलेजेस और गोरखपीठ के प्रबंधन की जिम्मेदारी रही। इसके साथ ही उनके ऊपर गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और आमजन की पीड़ा का भी समाधान करने की जिम्मेदारी रही। योगी पर विवादों का साया मंडराता रहा। 10 फरवरी 1999 में महाराजगंज जिले के थाना कोतवाली स्थित पशरुखिया कांड में इन्हें और चर्चा मिला दिया। यहीं से योगी और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया। इसके बाद भी उनके ऊपर मुस्लिम विरोधी होने के साथ सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप भी लगता रहा। गोरखपुर में हुए दंगे कर्फ्यू के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए काफी चर्चा में रहे। हिंदुत्व का नारा किया बुलंद। इसी दौर में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी और बरसंग दल जैसे संगठनों को मजबूती प्रदान करने हिंदुत्व और विकास का नारा बुलंद करते हुए नजर आए। साल 2007 के विधानसभा चुनाव और साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा शीर्ष नेतृत्व में चल रही उथल पुथल और पार्टी की गिरती साख को लेकर बगावती तेवर भी दिखाए। 2007 के विधानसभा चुनाव में तवज्जो नहीं मिलने पर हिंदू युवा वाहिनी से प्रत्याशियों की घोषणा तक करने का ऐलान कर दिया। इससे भाजपा खेमे सहित राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। आतंकवाद, नक्सलवाद और देश विरोधी तत्वों से निपटने के लिए भी खुलकर भाषण दिए और अपने तरीकों से इसके खात्मे का ऐलान भी करते रहे।
साल 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर अपनी धमक दिखाई और पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में 42 साल की उम्र में लगातार 5 बार सांसद होने का रिकॉर्ड भी बनाया। 2017 में देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम बनना। 2014 के लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर उन्होंने स्टार प्रचारक की भूमिका निर्वहन किया और गोरखपुर से चुनाव जीतकर अपनी हलक भी कायम रखी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गोरखपुर बस्ती मंडल की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को जीत का सहरा बांधने में अहम भूमिका निभाई। अब वो 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के मुद्दे पर भी कोई शक नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने यूपी के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। वो लगातार गोरक्षपीठ, योग, धर्म और अध्यात्म पर पुस्तक भी लिखते रहते हैं।